2024 में एक बार फिर सत्ता में वापसी को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, तो आज पश्चिम बंगाल में संगठन के विस्तार और बैठकों के लिए गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर। सोमवार देर रात कोलकाता पहुंचे बीजेपी के शीर्ष नेताओं का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। आज नड्डा और अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के राज्य नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान अमित शाह गुरुद्वारे और विश्व प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर भी जाएंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा आज कोलकाता दौरे पर हैं, तो टीएमसी ने बीजेपी के स्टेट चीफ सुकांत मजूमदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। टीएमसी सुकांत मजूमदार पर स्वामी विवेकानंद के अपमान का आरोप लगा रही है और अमित शाह की यात्रा को डैमेज कंट्रोल के तौर पर पेश कर रही है। ममता सरकार के मंत्री शशि पांजा ने बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार से माफी की मांग की है। हमारे जो स्टेट मिनिस्टर है उदयन गुहा ने कहा कि गीता पाठ से ज्यादा फुटबॉल खेलना चाहिए, स्वामी जी की ये जो बात थी उन्होंने अपने वक्तव्य में रखा, लेकिन सुकांत मजूमदार उदयन गुहा की जो वक्तव्य थी उसको क्रिटिसाइज करते वक्त कहीं ना कहीं स्वामी जी को ही अपमान किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो ये सब बात रखते हैं वो नासमझ है, अनपढ़ है। आपने स्वामी विवेकानंद को आज आपके इन बातों द्वारा जो है असम्मानित किया है। और बराबर हम लोग देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा यही कोशिश करती है और हमेशा उनकी कर्मों द्वारा यही प्रमाण हुआ है कि कहीं कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हो या स्वामी विवेकानंद हो या ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, बंगाल को इन्होंने अपमान किया है। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से और बंगाल के तरफ से हम लोग इस तरह की वक्तव्य जो सुकांत मजूमदार रखे हैं हम लोग खंडन करते हैं और उनसे ये मांग रखते हैं कि आप अभी के अभी माफी मांगिए, तीव्र निंदा करते हैं, माफी मांगना है सुकांत मजूमदार को।